सबसे पहले होमविज ऐप को हम लोग डाउनलोड करके उसमें अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के बाद ऐड डिवाइस के ऑप्शन में जाके क्लीनिंग डिवाइस के ऑप्शन में आपको वॉशिंग मशीन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वॉशिंग मशीन सेलेक्ट करने के बाद वॉशिंग मशीन के बैक साइड पर एसकेयू कोड दिया होता है, जिस एसकेयू कोड को आप उस एप्लीकेशन में डालेंगे। एप्लीकेशन में डालने के बाद वो एप्लीकेशन आपकी अकाउंट बना लेंगे उसमें, और अकाउंट बनाने के बाद वॉशिंग मशीन पे सेंटीग्रेड और ब्लूटूथ वाले बटन को 3 सेकंड पर दबाएंगे। 3 सेकंड दबाने के बाद वॉशिंग मशीन का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जॉब डायल को घुमा के इन्फिनिटी प्रोग्राम पर ला के फिर ब्लूटूथ का बटन दबाएंगे। बटन दबाने के बाद आपका मोबाइल एक रिमोट बन जाएगा, जो वॉशिंग मशीन के साथ रिमोट हो जाएगा, और वॉशिंग मशीन में जितने भी प्रोग्राम हैं वो आप इस मोबाइल के थ्रू उससे ऑपरेट कर सकते हैं। इस मोबाइल के थ्रू ही आप कोई भी प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर कर उसमें डाउनलोड कर सकते हो। कई प्रोग्राम तो वॉशिंग मशीन के डिस्प्ले पे दिए हैं, उसके अलावा कई प्रोग्राम इसमें एडिशनल भी हैं, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लगा सकते हो। अपनी सेटिंग को आप यहाँ पर सेव करके जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो वॉशिंग मशीन में ऑटोमेटिक वो टाइम शो करने लग जाता है और आपके मोबाइल पर भी शो करता है। ये ब्लूटूथ से काम करता है। ब्लूटूथ की जो रेंज है वो 10 मीटर होती है। 10 मीटर के अंदर रहकर ही ये मोबाइल आपका एक रिमोट का काम करेगा। इसमें काफ़ी जो फीचर्स हैं जो आपकी मशीन में नहीं है वो आपको इसमें मिलेंगे। थैंक यू।